जब एक बच्चा इस संसार के अंदर आता है तो वो बिल्कुल प्योर होता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, आसपास के माहौल से उस नेगेटिविटी को एब्जॉर्व करता है, थॉट प्रोसेस के थ्रू, अपने कुछ कार्मिक कनेक्शंस के थ्रू, इस तरीके से वो अपने उन चीजों को ऑब्जर्व करता है। और जैसे वो ऑब्जर्व करता है उन चीजों को, तो उनके जो बॉडी के अंदर जो हमारे 24 बॉडी पॉइंट जो होते हैं, हमारे जो एनर्जी के पॉइंट होते हैं, वो हमारे ब्लॉक होते हैं। और जब वो हमारे एनर्जी के पॉइंट ब्लॉक होने शुरू हो जाते हैं तो वो नेगेटिविटी आती है हमारे चक्रास के ऊपर, वो इम्पैक्ट डालती है और हमारे चक्रास वहां पे ब्लॉक होने शुरू हो जाते हैं। तो वॉयलेट फ्लेम रेकी से हम अपने इस जो हमारे आस पास के जो माहौल है वो सारे चक्रास को भी उसकी वजह से जो हमारी बॉडी के अंदर नेगेटिविटी आती है उसको रिमूव करना, प्लस हमारे जो कार्मिक इश्यूज हैं, जो हमारे डीएनए हीलिंग जिसको हम बोलते हैं, वो सब चीजों को हम यहाँ पे उससे कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने सबने देखा होगा कि यू नो गैस बर्नर, आप सभी लोगों ने देखा होगा, सभी के घर में ये होता है कुकिंग गैस फ्लेम। इसको मैंने यहाँ पर क्यों यूज करा, इसको मैंने यहाँ पर इसलिए यूज करा कि जब भी हम कोई खाना बनाते हैं, हम उसको गैस पर रखते हैं, तो वो रॉ फूड से आपको कुक्ड फूड मिलता है। अगर आपको कभी कोई पानी, गर्म पानी पीना है, तो आप उसके ऊपर पानी रखते हैं, गैस चलाते हैं, वो पानी गर्म हो जाता है, यानी कि उसकी ट्रांस, उसके अंदर परिवर्तन आ जाता है ना, वो ट्रांसफर हो जाता है ठंडे पानी से गर्म पानी में, रॉ फूड से कुक्ड फूड में। और आप देखेंगे कि जो इसका फ्लेम है वो वॉयलेट है ना, मैंने इसीलिए इसको यहाँ पे रखा कि एक वॉयलेट फ्लेम है। तो उसी तरीके से जब हम रेकी को यूज करते हैं, वॉयलेट फ्लेम रेकी को जब हम यूज करते हैं, तो हमारी जीवन के अंदर भी जो ग्रीड्स होती है, जो एंगर्स होते हैं, जो जेलसी की फीलिंग होती है, फियर्स होते हैं, वरीज होते हैं, वो सब कुछ चेंज होकर एक पॉजिटिव एनर्जी के अंदर डेवलप होता है। क्लियर मेरा पॉइंट? अगर आप नॉर्मली भी रेगुलरिटी में अपनी लाइफ में एक चीज को अपनाएं कि ग्रीड इनटू लव, एंगर इनटू लव, जेलसी इनटू लव, फियर इनटू लव, वरीज इनटू लव, तो आप देखेंगे अगर आप ऐसे अफर्मेशंस भी रेगुलर बोलते जाएंगे तो भी आपको अपने अंदर बहुत सारी चेंजेस नजर आने शुरू हो जाएंगे।